तुनिशा को गए 7 दिन हो चुके हैं और अभी तक तुनिशा के जाने की वजह नहीं पता चल पाई है। तुनिशा की आखिरी विदाई में कुछ ऐसा देखा गया जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तुनिशा सुसाइड केस लव जिहाद से भी जोड़ी जा रही है और दूसरी तरफ तुनिशा शादीशुदा नहीं थी, फिर भी उनकी विदाई लाल जोड़े में की गई। इन सभी पर चर्चा हो रही है। तुनिशा को आखिरी वक्त लाल जोड़े में देखकर सब सौंक रह गए, लेकिन जब असली वजह पता चली तो सबके होश भी उड़ गए। तुनिशा के अंतिम संस्कार के वक्त परिवार ने उन्हें लाल कपड़ा पहनाया था। इसको लेकर उनके चाचा पवन शर्मा ने बड़ा खुलासा भी किया। तुनिशा को लाल जोड़ा इसलिए पहनाया गया क्योंकि उनका ये रंग सबसे पसंदीदा रंग था। जिस कपड़े में उसे विदाई दी गई तुनिशा का वो फेवरेट कपड़ा था, इसलिए आखिरी वक्त में परिवार ने तुनिशा को लाल जोड़ा पहनाया था। तुनिशा का अंतिम संस्कार मीरा रोड शमशान भूमि में 4:26 पर किया गया था। तुनिशा के अंतिम संस्कार के वक्त उनकी मां की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोशी की हालत में घर पहुंचाई गई थी। इससे पहले अस्पताल में भी तुनिशा को देखकर उनकी मां की हालत बिगड़ चुकी है। आपको बता दें, अली बाबा दास्तान कबूल टीवी सीरियल में तुनिशा काम क्या करती थी। इसी में लीड रोल में शिजान खान थे। दोनों के बीच काफी प्यार था, लेकिन दावा है कि शिजान तुनिशा को धोखा दे रहे थे, जिस वजह से तुनिशा परेशान थी और बीते शनिवार को उसने शिजान के ही मेकअप रूम में आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद उनके करीबी परिवार वालों के अलावा आम लोगों को भी बड़ा झटका लगा। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का मंगलवार शाम मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े सितारे वहां मौजूद दिखाई दिए। बेटी को आखिरी विदाई देते वक्त मां विनीता शर्मा की हालत बेहद खराब हो गई थी। तुनिशा को उनके चाचा ने मुखाग्नि दी और इसके साथ ही तुनिशा पंचतम में विलीन हो गई। इन दिनों एक सीरियल ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। सोते से लोग उठकर बैठ जाते हैं और डर के मारे इंडस्ट्री से दूर जा रहे हैं। इस सीरियल ने बाकी सीरियल्स की भी हवा टाइट कर दी है, बाकी सीरियल और शो का भी बुरा हाल हो गया। जी हां, बात इस वक्त अलीबाबा दास्तान कबूल की कर रहे हैं। इस सीरियल ने महज 4-5 महीने में ही कुछ इस तरह से लाइमलाइट बटोर ली कि बाकी सीरियल्स ठप हो गए और शायद अब लोग इस सीरियल में काम करने से भी डरने लगे और शायद कोई इस तरह से लाइमलाइट बटोर ना भी नहीं चाहेगा। जी हाँ, अलीबाबा की मशहूर एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इस शो की वजह से बाकी शोज नजर नहीं आ रहे। बिग बॉस से लेकर इंडियन आइडल तक एक झटके में गायब हो गए। और तो और, पवन अरुणिता के फैंस जो कि पवन अरुणिता की हर खबर पर नजर बनाए हुए थे, वो भी अब डरे बैठे हुए। आखिर तुनिशा सुसाइड केस में ऐसा भी क्या हो गया कि लोग सीरियल में काम करने से भी डरने लगे। महज 20 साल की उम्र में तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है। तुनिशा की मौत के बाद से हर कोई हैरान है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि इतना खौफनाक कदम एक्ट्रेस ने कैसे उठा लिया। हालांकि शोबिज इंडस्ट्री में ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले काफी समय से इंडस्ट्री में सुसाइड केस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। वही अब तुनिशा की मौत के बाद से उनके सेट पर सब डरे हुए बैठे हैं। तुनिशा हर रोज की तरह अलीबाबा की शूटिंग करने गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज के दिन के बाद वो कभी शूटिंग नहीं कर पाई थी। शूटिंग के 5 घंटे पहले वो मेकअप रूम में अपना मेकअप करवा रही थी और मस्ती कर रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था इन 5 घंटे बाद तुनिशा इस दुनिया को अलविदा कह देंगी। ना जाने उस मेकअप रूम में ऐसा क्या होता है कि तुनिशा अपने को स्टार से मिलने के बाद उस मेकअप रूम से बाहर नहीं निकलती है। मेकअप रूम में फांसी के फंदे से लटकी दिखाई देती है तुनिशा और उसके बाद से लोग शूटिंग के लिए उनका इंतजार कर रहे होते, उन्हें बुलाने के लिए मेकअप रूम में भेजा जाता है, लेकिन मेकअप रूम का गेट काफी देर तक नहीं खुलता है, जिसके बाद मेकअप रूम का दरवाजा तोड़ा जाता है और वहाँ एक्ट्रेस को बुरी हालत में देखा जाता है। पुलिस ने इस पूरी जगह को सील कर दिया और अब अलीबाबा के सेट पर लोग जाने से डर रहे हैं। अब सीरियल में भी शूट करने से भी लोग डर रहे हैं और एक्ट्रेस भी घबराई बैठी हुई है। पवन अरुणिता जो कि शो करने जा रहे थे, उनके लिए भी अब फैंस तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि वो जिस तरह से शो करने जा रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि इन स्टार्स के साथ कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता और इनकी मिस्ट्री का आज तक कोई पता भी
नहीं लगा पाता। तनिषा शर्मा ने 24 दिसंबर को शो के सेट पर अपनी जान ले ली थी। एक्ट्रेस ने को स्टार शिजान खान के मेकअप रूम में फांसी लगाई थी। तनिषा की मां ने उनकी मौत का जिम्मेदार एक्स बॉयफ्रेंड शिजान खान को ठहराया है। शिजान खान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया गया। वहीं अभी पुलिस हिरासत में है शिजान। वहीं कल यानी 27 दिसंबर को तनिषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तनिषा को लेकर इस वक्त हर सीरियल वाले घबराए बैठे हैं और हर स्टार तनिषा को याद करके शूटिंग करने से भी घबरा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिग बॉस 13 फेम और पंजाब की कटरीना कैफ के नाम से मशहूर शहनाज गिल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनके फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर खूब धूम मचाते हैं। अब शहनाज गिल ने एक और नया वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में शहनाज रैंप वॉक करती नजर आ रही हैं। बता दें दिल्ली में कैनफोन्स के द इंडियन डिजाइनर सीजन 4 के लिए शहनाज गिल ने रैंप वॉक किया था। वो इस शो की टॉप स्टार बनी है। रैंप वॉक के दौरान एक्ट्रेस ने पिंक कलर का मरमेंड गाउन पहना हुआ था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस वीडियो में शहनाज गिल बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ रैंप वॉक करती नजर आ रही है। वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, सभी का धन्यवाद। शहनाज गिल का ये अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा और इस लुक के लिए लोग शहनाज की जमकर तारीफ कर रहे। एक यूजर ने लिखा, आप दुनिया की सारी खुशियां डिजर्व करती हो। तो वहीं दूसरे ने लिखा, आपने रैंप पर तहलका मचा दिया, मैं बहुत ही एक्साइटेड था और केन के साथ भांगड़ा करना और भी मजेदार हो जाता। केन फर्स्ट फैशन शो से शहनाज गिल का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पंजाब की कटरीना कैफ रैंप पर अपना देसी स्टाइल दिखाती नजर आ रही है। वीडियो में शहनाज रैंप पर गिद्दा कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शहनाज गिल रैंप पर केन के साथ डांस कर रही है। वीडियो में एक्ट्रेस के क्यूट अंदाज की हर कोई वाहवाही कर रहा है। शहनाज गिल ने वाकई हर किसी का दिल खुश कर दिया। ये बिग बॉस 13 की असली स्टार निकली है। वर्क फ्रेंड की बात करें तो एक्ट्रेस शहनाज गिल जल्दी अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। शहनाज सलमान खान के साथ फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आएंगी। ये फिल्म अगले साल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। इनके अलावा शहनाज गिल 100% फिल्म में भी नजर आएंगी। इस फिल्म में एक्ट्रेस डॉन अब्राहम और रितेश देशमुख के साथ काम करेंगी। तो शहनाज गिल लगातार लोगों से मिल रही और लगातार लोगों के बीच जाकर खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं। आप शहनाज गिल के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।